नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करो। अशोक गुप्ता जी इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसमें ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और ये डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है वो कंप्यूटराइज जो है वो किया जाए। और इसको लेकर आज डोगरा फ्रंट जो है वो सड़कों पर आई है और रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन किए जाने की मांग यहाँ पर जो है वो की जा रही है। यहाँ पर पटवारी भी इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, लेकिन इस बीच आज डोगरा फ्रंट भी सड़कों पर आई है। और सर क्या करेंगे, प्रदर्शन किया जा रहा है? बोलो जी क्या कुछ कहेंगे, एक तरफ पटवारी हड़ताल पे बैठे हैं और आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या डिजिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए? ये चंद लोगों की जेब के अंदर ही रहना चाहिए सब कुछ। कोई आदमी एक फर्द कटाने जाता है, उसकी क्या दशा करते हैं, कितने रुपए लेते हैं? एलजी साहब ने एक निर्णय करने का प्रयास करा कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो फाइल बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रबंध करने का प्रयास नहीं हो रहा। और उसके बाद में ये डिजिटलाइजेशन ना हो, ये रिकॉर्ड लोग ऑनलाइन ना ले सके, ये धांधली डालने का प्रयास हो रहा है। मैं पटवारियों से सीधा कहना चाहता हूँ, वो डिजिटलाइजेशन के समर्थन के अंदर हैं या विरोध के अंदर हैं, किस बात का प्रदर्शन है? क्या वो डिजिटलाइजेशन नहीं होने देना चाहते? क्या सबको सहयोग और साथ नहीं मिलना चाहिए? लोगों को सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए? कितनी कितनी बड़ी 75 साल से सरकारें रही, किसी ने डिजिटलाइज करने का प्रयास नहीं करा। अगर आज पहली बार कंप्यूटराइज करने का प्रयास हो रहा है श्रीमान एलजी के माध्यम से, जो बिल्कुल सबको इंसाफ देने की बातें कर रही हैं, छोटा सा बच्चा भी वो अपना रिकॉर्ड निकाल करके उसकी कॉपी मांग सकता है। हाँ, ये जो प्रयास है कि सब चीजें मेरी जेब के अंदर रहे, सब कोई मेरे पास रहे, सारी व्यवस्था मेरे पास रहे, उसके अंदर खराबी आ रही है। अब ये व्यवस्था लोगों के पास जा रही है, अब ये व्यवस्था लोगों के पास जाने का प्रयास कर रही है, और वो प्रयास यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से, एलजी के माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। और जब तक ये कंप्यूटराइज नहीं होगा, ये घूसखोरी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए मैं पटवारियों से भी कहना चाहता हूँ, ये कृपया करके डिजिटलाइजेशन के अंदर विरोध करने का प्रयास कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो जम्मू की जनता उसको छोड़ने वाली नहीं है। कल पटवारियों द्वारा ये भी कहा गया है कि जल्दबाजी में नाम गलत भी चढ़ सकते हैं, ये लोगों को डरा रहे हैं या प्रशासन को धमका रहे हैं? ये जो वो कुछ पटवारी या कुछ लोग जिनकी जेबें गर्म रहनी चाहिए, ये उनको घबराहट हो रही है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी है बीच में, अच्छे तहसीलदार भी हैं, अच्छे प्रभारी भी हैं, अच्छी जनता भी है, इनमें सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन तकलीफ किसको होती है, इसका बंद हो जाए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, पटवारियों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन पटवारी अगर इसको कंप्यूटराइज करने के अंदर अड़चन डालने का प्रयास करेंगे, जम्मू की जनता माफ नहीं करेगी, उठ करके लड़ेगी, और फिर वो जो युद्ध होगा वो अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद विरोध में 3 दिन की स्ट्राइक पर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो इस आंदोलन को वो आगे और बढ़ाएंगे। कौन आंदोलन? जो 3 दिन की स्ट्राइक पर होगा। ओह, कायदे वास्ते स्ट्राइक, कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, उनको क्या कष्ट है बताओ मुझे? एक चीज कंप्यूटराइज हो रही है, उसमें कष्ट किसको है? किसको कष्ट है बोलो? कष्ट उसको है जो अपने पास सारा रिकॉर्ड ऐसे तू लेना है, इन्हें पैसे लाने न, मैं वो नहीं चलने वाला। अब पहली बार एक ऐसी सरकार आई एलजी की जो सब कुछ साफ करना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे पटवारी एक जैसे नहीं है, सारे तहसीलदार एक जैसे नहीं है,
बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ मछलियों ने सारे तालाब को गंदा करके रखा हुआ है। यानी कि आप मानते हैं कि पटवारी पैसे खाते हैं? ये अब अपने मुंह से जो मर्जी बोलो बोलते चले जाओ, मेरे से किसी ने मांगा होता मैं पकड़ करके उसको बताता पैसे कैसे देते हैं। अभी तक मेरे से किसी ने नहीं मांगा। फिर कौन ले रहे हैं? ये सामने आएगा ना, क्यों क्यों विरोध हो रहा है? ये रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए, आपके पास ना रहे, किसको दर्द है? अब सारी बातें खोल दोगे आज तो कल क्या करूंगा। तो अशोक गुप्ता जी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनका ये कहना है कि रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज जो है वो किया जाना चाहिए, और जो पटवारी यहां पर बैठे हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपनी जेबें गर्म करें, लेकिन सरकार बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं होने देगी। और रिकॉर्ड को जो डिजिटलाइजेशन किए जाने का फैसला लिया गया है उसका स्वागत ये कर रहे हैं, और एलजी साहब के इस फैसले का स्वागत जो है उन्होंने किया है, और ये कहा है कि जिन पटवारी जो पटवारी अपनी जेब गर्म करके रखना चाहते हैं लोगों से पैसे लेकर, उनको कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो शायद पसंद नहीं होगा। आप लोग इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।